अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बैक अगेन विद द न्यू लोग। यार कैसे हैं आप सब? उम्मीद के तो बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। देखें, दाने वाले सुलेमान है, भाई हैं, अबू हैं, तो आज हम जा रहे हैं काम पे। जो सिचुएशन होगी हर चीज़ वगैरह शेयर करेंगे। पराडो हमारी रेडी है। की कह रहे हैं? तुझे लेके भी कोई नहीं जा रहा। पीछे तीन वो एंट्री है, एक भाई ये हैं और अबू हैं। तो मेरे ख्याल से आज अबू भी हमारे साथ जा रहे हैं, क्योंकि अबू का भी थोड़ा सा काम है, अपने यहाँ पे एसी फिट करने हैं, तो शायद अबू को भी लेके जाएं। हर एक चीज़ आगे शेयर करेंगे, तो जल्दी से कर लें चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल लाइक को दबा दें, ताकि मेरी मजदूरी और दुबई की लेबर लाइफ, शारजा का माहौल, हर चीज़ सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। बाबा जी पहुंच चुके हैं अपनी बिल्डिंग पे, अब माशाल्लाह काम शुरू करने लगे हैं। बाहर का जो व्यू है वो आप लोगों के सामने है, ठंडा माहौल है। लेकिन 12 एक बजे आज जुम्मा है, जुम्मा भी पढ़ेंगे, हर एक चीज़ अगर शेयर करेंगे। बस आज के लोगों का स्किप नहीं करना, आज बहुत हैवी काम है, क्योंकि मशीनें फिट करनी है। कल 3-4 कर दी थी, लेकिन बाकी जो रह गई हैं वो आज करेंगे। पानी भरने की बारी आ चुकी है, उन्होंने कहा जाओ जितनी बोतलें भर के लाओ। ये देखो इतनी बोतलें मैं लेकर जा रहा हूँ, अब ठंडा पानी नीचे भरेंगे और मज़े करेंगे, पियेंगे, क्योंकि पानी पियेंगे तो हमारे में जान है। कि खाना आपका भाई खाता नहीं है, पानी पीता है बस। अब ये लिफ्ट का इंतज़ार किया जा रहा है, रस्से वाली लिफ्ट आएगी। ये नीचे का व्यू देखो, ओए ओए ओए, नीचे पोर्च खड़ी हुई है, वहाँ पे AMG खड़ी हुई है, और ऊपर से लिफ्ट ने आना है, जो कि मैं लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये देखो ना, यहाँ से लिफ्ट ने आना है। ओए ओए ओए, गाड़ी गई बाबा जी फरारी, क्या बात है यार। अब मेरे ख्याल से लिफ्ट में नीचे आना है कि नहीं आना, मुझे सीढ़ियों से जाना पड़ेगा, और सीढ़ियों से मैं थक जाता हूँ। आ तो रही है वैसे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन पता नहीं कब तक आती है यार। बकायदा व्यू देखो आप लोग, ओए होए होए होए, सामने वाली बिल्डिंग देखो, फिर ये अंदर वाला व्यू देखो, और लिफ्ट आ जा, लिफ्ट आ जा, आ जा आ जा आ जा, आ गई आ गई आ गई, लिफ्ट आ गई, लिफ्ट आ गई, लिफ्ट आ गई, लिफ्ट आ गई, आ गई आ गई आ गई आ गई। भाई 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 भाई, लिफ्ट बाबा जी बहुत डेंजरस है, यहाँ से देखो नीचे जा रहे हैं। ओए 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 ओए, चेक करो ज़रा, ये इसकी मेन एंट्रेंस है, जो कि अभी तैयार हो रही है, फुल तबाही लगी हुई है बिल्डिंग की। लेकिन जब ये बिल्डिंग बनेगी ना, तो आप लोगों ने फ़ैन हो जाना, क्योंकि जब यहाँ पे बिल्डिंगें बनती है तो भाई जान देख के मैं हैरान हो जाता हूँ यार, ये वही बिल्डिंग है, अभी ये कचरा है, जब बनेगा तो फिर हो जाएगा लफड़ा। बस पानी पुनी भरते हैं यहाँ से, देखो भाई भी को लेके जा रहा है बोतलें, वो वहाँ पे कूलर लगा हुआ है, और यहाँ पे मिस्त्री मजदूर लगे हुए हैं, जो कि इतनी हैवी क्रेन लगी हुई है, चेक करो। ओए होए 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 होए, भाई साहब बहुत हार्ड काम है, जो कि मिस्त्री मजदूरों का जो काम है ना, सबसे हार्ड है। आजकल आपका भाई भी हार्ड बन रहा है, लेकिन डोले बन ही नहीं रहे। भाई साहब ये मिस्त्री है इंजीनियर अरबी, अब मैं आपको दिखाऊँ इसकी डिटेल। यहाँ पर लगा हुआ है पानी का कूलर, जो कि एक इस तरफ लगा हुआ है, लेकिन वो गर्म था, मैं पानी यहाँ पे भरने के लिए आया हूँ। ये देखो, ये यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला कूलर लगा हुआ है, ये पानी का कूलर है, जो कि भरने नहीं दे रहे। ये अरबी हैं, और अरबियों के काम आप लोगों के सामने है। आका भाई पानी की बोतलें लेके गया है, उसने कहा भाई जान नहीं भरना। मैं कहता हूँ लख दी लानत ऐसे मुसलमानों के, काटो ऐसे मुसलमानों को भाई जान, इनका दुनिया पे बोझ है, बोझ, हम जैसे लोगों को मारते हैं, काटो ऐसे लोगों को। बकायदा हमारी प्राडो खड़ी हुई है, पीछे मस्टैंग खड़ी हुई है, आगे रड़ा गाड़ियाँ, ट्रक खड़ा हुआ है, अब हमें यहीं से भरना पड़ेगा पानी, इस वाले से। भाई ड्रिल मशीन फंस गया, भाई मोरी कर रहा था, ड्रिल मशीन फंस गया भाई। मुझे कह रहा तू काट ही नहीं है, मैं काट कर करके छोड़ दिए। कल आपने देखा ना, मैंने मज़े किए हैं यार। बात ये है कि जो पानी बंदे रोक रहे हैं ना, गरीबों का हक खा रहे हैं, मैं गरीबों के हक के लिए खड़ा हूँगा, और इन सबको हम पेड़ डालेंगे यार, ये गलत करते हैं। कमेंट फंस गया भाई, फंस गया। ये मशीन है बाबा जी जो हम लगा रहे हैं, मेरे भाई क्लंप लगाए हैं, पूरी मशीन जो है ना हमने लटका दी हुई है। ये देखो पूरी मशीन हमने फिट की है, एक मामू ने की है, मैंने की है, साथ वो अंकल थे। मामू भी बड़ा मुश्किल है कि इजी है? इजी है कि मुश्किल है? इजी है यार, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। जहाँ पे मैं होगा वहाँ पे इजी रहेगा। बड़ी मुश्किल ऊपर चढ़ के मशीन फिट की है, एक इधर में मशीन फिट हो गई है, देखो इसमें अब दो तीन वहाँ पे है, तो वो फिट करेंगे। जुम्मे से पहले पहले हमें फिट करनी है, फिर जुम्मा भी पढ़ना है, और शाम को इस बिल्डिंग में आपको फिर माहौल दिखेगा, जो कि यहाँ पे नहाने वाला माहौल होगा, और वो नहाने वाला माहौल भी मैं आपको दिखाऊंगा यार। यहाँ पे ना हर बंदा लगा हुआ है, मिस्त्री, मजदूर, प्लम्बर, राइटर, ब्राइटर, हर बंदा, यानी कि जो पाइप का काम भी हो रहा है, कलर का काम भी हो रहा है, यानी कि पूरे अपार्टमेंट है ये आपके सामने है, इधर भी अपार्टमेंट है, इधर भी अपार्टमेंट है, ये लिफ्ट वाला एरिया है,
देखो यहाँ पे वर्कर्स लगे हुए हैं। अब हम सामने जा रहे हैं, सामने हमने ड्रिल मारनी है ज़रा। देखो पेंट की बाल्टियाँ पड़ी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब काम यहाँ पे हो रहा है। यानी कि ना देखो हर पार्टी लगी हुई है, मैं आपको दिखा दूँ, यानी कि हर जगह सारा काम हो रहा है, मिक्स हो रहा है काम। कितने लोग लगे हैं, कितनी पब्लिक लगी हुई है। हमारा जी अब इस जगह पे काम है, क्योंकि ये अपार्टमेंट है 9 नंबर, वो देखो लेके जा रहा है भाई। देखो यहाँ पे पानी पुनी पाइप का भी सारा काम हो रहा है, जाके दिखाते हैं। देखो ये भाईजान ड्राइंग है, पूरी बिल्डिंग का ड्राइंग है। जिसको भाईजान ये ड्राइंग की समझ आ गई ना, ड्राइंग की हर चीज़ ईजी है, क्योंकि ड्राइंग में हर चीज़ है, प्लम्बर पाइप डेक हर चीज़ इसमें बना होता है। भाई पूछ रहा वीडियो कैसे बनाते हो, तो भाई को समझा रहा हूँ कि वीडियो ना बैक कैमरे से बनाते हैं। भाई समझ रहे हैं क्या, फ्रंट कैमरे से बनाते हो। तो जरा उनको समझा रहे हैं, समझा के फिर जुमा पढ़ते हैं। जी भाई क्या कहना चाहोगे, मस्जिद है या मैं मस्जिद? हाँ जुमा पड़ेगा यार, फिर माँ को मिलेगा। ये भैया हेल्टी चला रहे हैं, ड्रिल चला रहे हैं। कल ना मैंने हेल्टी चलाई थी ना, तो ये कह रहे थे कारीगर बन गए। मैंने कहा यार मुझे खलियाँ डल गई, कल ना खली डल गई थी, तो आज मैंने कहा आप चलाओ, आप हेल्टी करो, मैं फिर गिल्टी करेगा। भाई कह रहे हैं आज जुम्मे के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, यहाँ पे बहुत यानी कि व्यू होगा, डीजे चलेगा, बड़ा रोमांटिक माहौल होगा। तो जब भी आएगा मैं आप लोगों को लाभ भी दिखाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ जो है ना ये देखने वाली लग रही है मुझे। भाई यकीन करो अभी कुछ सामान उठाया है, इतना हार्ड वर्क किया है, सांस फूल गया है। अब नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, 12:30 हो गया, जुम्मे का नमाज़ का टाइम हो गया, अब नमाज़ पढ़ते हैं और दिखाते हैं। ये जी यहाँ का माशाल्लाह मस्जिद है, पूरा अमला जो नमाजी मुसलमान है सारे नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। और यकीन करो इतनी फट गई है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, और गर्मी का कहर पड़ रहा है, कहर। अब जल्दी से जाते हैं, मेरा तो ख्याल है मुझे अंदर एसी में जगह भी नहीं मिलनी, और बाहर ही पढ़नी पड़ेगी और बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो भाई साहब देखो माशाल्लाह से नमाज हो गई है, लेकिन आपके भाई ने फ्रेश पे पढ़ी है, फ्रेश पे देखो नीचे वाली फ्रेश देख रहे हो, गर्म पड़ी है। अब अपने शूज़ वगैरह ढूंढते हैं, चलते हैं। पब्लिक देखो कितनी ज़्यादा है, और ज़मीन इतनी गर्म है ना, ओए 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 ओए, पैर पूरा का पूरा जल रहा है। अब अपने शूज़ ढूंढते हैं और चलते हैं। भाई यकीन करो अपनी ज़िंदगी में ना, पूरी दुनिया में अमारात में पहली दफ़ा इतनी गर्मी में मैंने जुम्मा पढ़ा है। यकीन करो कि मेरे सारे के सारे पाँव जो है ना जल गए हैं, शूज़ मैंने पीछे रखे हुए थे और जब मैं आया शूज़ पहनने तो सब कुछ जल गया। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। व्यू देखो, बिल्डिंगें देखो, और भाई की हालत देखो। अब मैं जा रहा हूँ मुँह हाथ धो के खाना खाऊँगा, फिर मिलूंगा। जनाब अभी आए हैं जुम्मा पढ़ के, गर्मी से आए हैं, खाना खाया, खाना खाने के साथ देखा कि बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। जब पास जाके देखा तो गोरे लोग चिल कर रहे हैं, चेक करो ज़रा, ओए होए होए होए, फुल बुफर छोड़ा हुआ है, फुल चिल कर रहे हैं, कपड़े उतारे हुए हैं, चेक करो ये लड़की लड़का क्या कर रहे हैं। ओए होए होए भाई साहब समझ नहीं आ रही, गोरे हैं अरबी हैं कौन है, लेकिन नंगे लेट के इंजॉय ऐसे कर रहे हैं कि मैं लोगों को बता नहीं सकता। भाई साहब एक दूसरे के ऊपर लड़कियाँ लड़के लेटे हुए हैं, डांसिंग चल रही है, शायद आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, नंगे होके डांस कर रहे हैं, और यहाँ पे लड़की लड़का भाईजान एक दूसरे के ऊपर लेट के पता नहीं क्या कर रहे हैं ये वाले। पता नहीं कैमरे में सही नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन रियल की जो रियल आंखें हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि अखीर कर दी इन्होंने अखीर। ये देखो लड़कियाँ डांस कर रही हैं, ये देखो यहाँ पे, ओए 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 भाई यार ये क्या माहौल है भाई। मैं टीवी ड्रामा में देखता था, मोबाइल में देखता था, आज आपका भाई रियल देख रहा है, और देखो बड़ा अजीब लग रहा है। ओए होए 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 फुल तमाम इंजॉय कर रही है भाई, इंजॉय कर रही है। और आप लोग कमेंट में बताओ कि ये अच्छे काम कर रहे हैं कि बुरे काम कर रहे हैं, ये जायज़ है कि नहीं जायज़ है। है तो मेरे ख्याल से मुसलमान तो नहीं है, अगर मुसलमान होते तो पूरे कपड़े ना उतारते और ऐसे मज़े ना करते, और जुम्मा भी ख़त्म भी नहीं था हुआ, जुम्मे की नमाज़ पढ़ के जैसे ही मैं आया हूँ, इस मस्जिद में जुम्मा हुआ, दूसरी मस्जिद में जुम्मा हो रहा होगा, और यहाँ पर भाई साहब चिल हो रहा है। और अब यकीन करो कि रात को ज़्यादा चिल होता होगा, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है ना बड़ी ब्रांड सारी गोरों की, AMG, मर्सिडीज बेंज, पता नहीं कैसी कैसी फरारी, डोज, हर गाड़ी के नीचे खड़ी हुई है। और हमारा काम अभी स्टॉप हुआ है, उसकी वजह ये है कि सामान आ रहा है पिकअप पे, उसकी लोडिंग करनी है, उसके बाद मेरे ख्याल से 4-5 बजेंगे और फिर हमारा काम खलास हो जाएगा। चेक करो ज़रा नीचे हमारा सामान आ चुका है, ये सारा डेकिंग का सामान आ गया, और सारे मेरे बंदे लगे हुए हैं, और मैं यहाँ पर बैठ के गोरों को देख रहा हूँ, गोरों के मज़े ले रहा हूँ। और मेरा ख्याल है कि मुझे जाके काम ख़त्म कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा यही काम रह गया है बस, यहाँ से ये ट्रक जो है हमने लोड करना है, उसके बाद काम ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी 1 घंटा रह गया है, क्योंकि जुम्मे के दौरान जो है ना ज़रा हम बिजी हो गए थे, उस्ताद भी बुलाने आ गया है, तो बस चलते हैं। भाई साहब एक एक चीज़ की आपको अपडेट दे रहा हूँ, तो मेरे जितना कोई ब्रांड बंदा नहीं होगा, एक एक चीज़ की अपडेट दे रहा हूँ। देखो सारा सामान यहाँ पर लद रहे हैं,
जो मैंने उठाया हुआ है ये भी लगना है यहाँ पे, ये देखो जरा। हाँ मामू, मर गए था, बहुत गर्मी है बाबा जी, बहुत गर्मी है। लोहे के डब्बे हैं, पता नहीं कौन से डब्बे, एलुमिनियम के, बहुत बजनी है और जो है ना पसीना छूट रहा है। बस थोड़ी सी गाड़ी रह गई है, ख़त्म करके मिलते हैं। लो बाबा जी, काम ख़त्म हो गया है, गाड़ी जो है हमें लेने आ चुकी है। अंदर अब्बू भी होंगे तो अब्बू को भी मिलते हैं, अब्बू का रिएक्शन भी दिखाते हैं। ये देखो ज़रा, आइए अब्बू बैठे हुए हैं। जी अब्बू ठीक हो? मिलते हैं अंदर बैठ के। फाइनली यार हम वापस अपनी मंजिल पे आ चुके हैं, काम शाम सारा खत्म कर लिया। अब्बू से पूछते हैं, अब्बू कैसा लगा? जी अब्बू क्या कहना चाहोगे? ठीक ठाक जनाब, काम टाइम सही गुजर गया का? क्लास हुआ। अब बंदों को सब्सक्राइब कर दो जरा, सब्सक्राइब। तो यार यहाँ पे करते हैं व्लॉग को एंड, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डेली शार्ट है तो भाई रोज देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल व्लॉग में मुलाकात होगी, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।